दोस्तों, हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। ये हमारे पास एक होमेज का यूपीएस है, 1003 मॉडल। तो ये इसकी फिटिंग आपको बताने लगे हैं। ये इसकी बॉडी है, इसको बड़ी इख्तियार से इसके अंदर रखते हैं ऐसे। ये उसके अंदर फिटिंग बनी है, बैठ जाता है आराम से। अब हम इसको पेच लगाएंगे कोनों पे। ये फिटिंग है और इसके अलावा इधर फिटिंग होती है पीछे, और ये पेच बने हुए हैं, इसके पेच लगाने होते हैं यहाँ पे। ये कॉर्नर पे पेच हैं इसके। अब इसके ये जैक हैं सारे। ये एक मेन सप्लाई वाला जैक होता है, एक पंखे का जैक होता है, इनपुट आउटपुट जैक बने होते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे लगेगा, ये मेन वाला जैक है, जो बाहर से मेन आती है उसका जैक है ये। इसको अच्छी तरह दबा के लगाना है, लूज ना रहे। लूज रहेगा तो प्रॉब्लम करेगा। ये आउटपुट वाला जैक है, ये आगे लगेगा यहाँ पर। ये जैक जो है, ये पीछे जो एम्पेयर बने होते हैं, 10 एम्पेयर 20 एम्पेयर, उसके लिए है ये जैक। और ये पंखे का जैक है। दोस्तों, ये ख्याल रखना है कि जैक लूज ना रहे बिल्कुल। अच्छा, ये देखें, ये आउटपुट वाला जैक है, यहाँ से सप्लाई आउट निकलेगी इसकी। इसको भी अच्छी तरह से आपने दबा के लगाना है। ये मेन वाला जैक है इसका, ये यहाँ पे लगता है। जो बाहर से सप्लाई आती है, मेन सप्लाई, वो यहाँ पे होती है। उसके बाद ये पंखे का जैक है, इसका फ़ैन है, कूलिंग फ़ैन इसको कहते हैं। ये ना चले तो ये प्रॉब्लम होती है, या हीटअप होते हैं ये हीट से। ठीक है, इसका बड़ा ख्याल रखना है कि ये दबा के लगे। अगर नहीं लगेगा तो फॉल्ट शो करेगा यूपीएस आपका। ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है। इसके ये तीन जैक होते हैं। ये एलसीडी वाला जैक है, ये यहाँ पे लगेगा। और दूसरा जैक जो है, ये लाइटों वाला है। ऊपर ये तीन लाइटें इसके बनी हैं, ये देखें, ये बैटरी इंडिकेशन, मेन वाली, फॉल्ट वाली। ये इसका जैक है तीसरा। ये यहाँ पे लगेगा। उसके बाद उसके स्विच का जैक है, ये ऑन ऑफ स्विच, ये यहाँ पे होता है। यहाँ पे इसकी मेन सप्लाई है, ये देखें, ये सारी मेन सप्लाई है इसकी। अब हम पहले इसको लगा के चेक करेंगे, उसके बाद इसको बंद करेंगे। ये बैटरी की नेगेटिव है और रेड वाली बैटरी की पॉजिटिव होती है। इस बात का बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि उलट ना लगे। उलट लगेगी तो आपका यूपीएस जल जाएगा। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है इसकी। देखें, हमारा सेट ऑन हो गया। अब हम इसकी चार्जिंग भी लगा के चेक करेंगे। ये 227 वोल्ट शो कर रहा है इस वक्त। ये हम स्विच लगाने लगे हैं इसके मेन बाबडा में। ये अब थोड़ी देर के बाद चार्जिंग पे शिफ्ट हो जाएगा।
ये देखें चार्जिंग पे चला गया, ये ग्रीन लाइट चलना शुरू हो गई है और ये सेल चलने शुरू हो गई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें।